फैमिली प्रॉब्लम हो गया है तो इसलिए आना पड़ा। फैमिली आप कहाँ से हो? तो इंडिया से। मेरे को सरप्राइज लगा। राजसा ब्लॉग। मैं हिंदी में वो ब्लॉगिंग करता हूँ। कौन सी मतलब टॉपिक? टॉपिक वो ब्लॉग वर्ल्ड टूर। साथ है मेरे हॉस्टल से सैम। हाय गाइस, सैम फ्रॉम ऑस्ट्रिया। तो ओके सैम, दिस इज द वे टू बाटू कैफ इन कोपागान। सी इन कोपागान, गुड आइडिया। चल टर्मिनल पसार बाजार देखते हो। और मुझे और एक फील आ रहा है, वो हम लोग जो कोरियन या साउथ ईस्ट एशियन जॉम्बी मूवी देखते हैं ना, वो वाला भी एक फील आ रहा है। मतलब यहाँ से पूरा खाली। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है शुभ और ये मेरा चैनल परसू ट्रैवलर। मैं हूँ अभी कुआलालंपुर में। आज मैं जाने वाला हूँ कुआलालंपुर से थोड़ा सा आगे, दो ढाई घंटा दूर, एक बहुत ही प्यारी एक प्लेस है, उसका नाम है मलाका। एक डच ओरिएंटेड सिटी था, लेकिन अभी भी वहाँ का जो हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। चलो जाते हैं वहाँ पर मलाका। मैं अभी नीचे आया हूँ कॉफ़ी पीने के लिए और ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसके बाद मैं चला जाऊँगा डायरेक्टली केएल सेंट्रल। केएल सेंट्रल से मैं मलाका का बस पकड़ूँगा और पहुँचाऊँगा मलाका। मुझे पता नहीं मलाका ऐसा कोई ट्रेन तो नहीं है, एक एयरपोर्ट है, लेकिन उस एयरपोर्ट ऐसा कोई फ्लाइट मैंने नहीं देखा। मे बी है, बाद में चालू होगा। एनी वे लेट्स गो। पुश करो। एक्सक्यूज मी, I want cappuccino, milk cappuccino. Coffee. So, good morning. Subah subah coffee. Actually, normally मैं चाय पीता हूँ, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी वो वाला चाय नहीं मिला मुझे। डेफिनेटली अगर थोड़ा दूर जाता हूँ, मतलब ट्विंस टावर के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट है जहाँ पे चाय मिलता है, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा अलग ही है। मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे कड़क इंडियन वाला देसी वाला चाय चाहिए, अदरक चाय या ऐसा कुछ। वो यहाँ पे अभी तक तो मुझे नहीं मिला। एनीवे वो छोड़ो, मैं आज जाने वाला हूँ मलाका। और वहाँ का शाम का एक नाइट मार्केट होता है, फूड स्ट्रीट फूड मार्केट, वो मुझे मिस नहीं करना है, इसलिए आज रात मैं वहाँ पे रुकने वाला हूँ। लोग यहाँ से जाते हैं मलाका, सुबह जाते हैं शाम को निकल आता है, इसमें वन डे ट्रिप होता है, लेकिन मैं वहाँ पे एक दिन रुकने वाला हूँ। ओके, तो मैंने ये तो मैं पहले ये ब्रेकफास्ट ख़त्म करता हूँ और जाता हूँ केएल सेंट्रल। हाय ब्रो, हाउ आर यू? या आई एम गुड। तो आप नेपाल से हो? मैं नेपाल से हूँ। तो यहाँ पे कितने दिन से हो? मैं इधर पे 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया? हाँ, 6 महीना हो गया। अभी काम के लिए आया हो? अभी काम के लिए आया हूँ और इधर पे काम कर रहा हूँ। के मार्केट है इधर पे। कैशियर। मैं कल जब यहाँ पे आया था कॉफी पीने, तो ये भैया कुछ हिंदी गाना गा रहे थे, लेकिन मैं आज मैंने देखा कि ब्लॉगिंग कर रहा है भैया जी, तो मैं पूछ लिया कि आप कहाँ से हो। तो इंडिया से। मेरे को सरप्राइज लगा और मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आप बोल रहे थे आपका भी कुछ चैनल है? मेरा चैनल है रास्ता ब्लॉग्स है। रास्ता ब्लॉग। रास्ता ब्लॉग्स। मैं हिंदी में वो ब्लॉगिंग करता हूँ। कौन सी मतलब टॉपिक? टॉपिक वो ब्लॉग वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर, जैसे मैं इंडिया का दिल्ली घूम लिया हूँ, बनारस घूमा हूँ, और नेपाल का अपना जो है फेमस वो सब घूम लिया हूँ। अच्छा खासा चैनल है। अच्छा, तो राजसा का भी एक चैनल है, नाम क्या है? राजसा RAZSAH। ओके, वो चैनल आप देख लो, क्योंकि राजसा का पूरा नेपाल दिल्ली और भी जहाँ जहाँ इसने किया था उसका भी एक ट्रैवल ब्लॉग है। ये भाइया यहाँ पे एक के सुपरमार्ट है वहाँ पे काम कर रहे हैं, नेपाल से है, 6 महीने से यहाँ पे है। और क्या है? और यही है, इधर पे काम कर रहा हूँ। और इस नेपाल जाने के बाद मैं अभी टूर करने का, मलेशिया टूर करने का प्लान है। 1 महीने बाद मैं टूर करूँगा लंका भी, और कुछ और है वो अब टूर कर मैं इधर से। अब 5 महीना और बाकी है, 5 महीने के बाद मैं अपना देश चला जाऊँगा। उसके बाद में फिर से स्टार्ट होगा इंडिया का, बहुत सारे टूर आएगा, जैसे केदारनाथ आएगा और कश्मीर का भी आएगा, और धीरे धीरे डालता जाऊँगा, आप देखते जाओगे। ओके, मिस मत करना इस भैया का। ऐसा नॉर्मली मलेशिया में आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? मलेशिया में मेरे को बहुत अच्छा लगा। नेचर व्यू तो बहुत हार्ड है,
मतलब एकदम नेचर के मामले में इधर पे है ना, जो इंडिया का जो भादो का महीना होता है वो इधर पे हमेशा दिखने को मिलता है। और नेपाल से कुआलालंपुर तक डायरेक्ट फ्लाइट है? हाँ, नेपाल से कुआलालंपुर डायरेक्ट फ्लाइट है, डायरेक्ट फ्लाइट। ओके ओके, बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलकर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपसे भी बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रहा था कि मैं आपसे पूछूं, मेरे को लगा कि आप इंडिया जैसे दिखते हो, पर मैं उधर से सुन रहा था आपको हिंदी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, कभी कभी बीच में इंग्लिश, तो मैंने बोला कि थोड़ा हाफ डाउन हो रहा है, 50-50 हो रहा है, इसलिए मैंने सोच लिया कि आप अगली बार पूछ ही ले जाए, आकर मैंने आया तो पूछ लिया आपसे। मैं इंडिया से हूँ और कोलकाता से हूँ। कोलकाता से? बंगाली मेरा मदर टंग। मैं बिहार के पास में बॉर्डर है, हाँ, उसी उधर ही मैं रहता हूँ। बीरगंज? हाँ, बीरगंज उधर ही रहता हूँ। बीरगंज में रहता हूँ। हाँ, बीरगंज में रहता हूँ। उधर बॉर्डर है ना, मतलब बॉर्डर है रक्सौल जो ट्रेन स्टेशन क्रॉस करके बीरगंज जाना पड़ता है। बीरगंज जाना पड़ता है। नेपाल से तो 7-8 घंटा दूर है, मतलब काठमांडू से 7-8 घंटा दूर है। बहुत अच्छा लगा भैया, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। बहुत स्वीट सा बंदा है, तो घूमना चाहता है तो। मेरे को घूमना इधर पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है ना, फैमिली प्रॉब्लम हो गया है, तो इसलिए आना पड़ा भैया। कुछ नहीं, इस सब के साथ ही होता है, फैमिली। ओके, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभो। शुभो, या आपका चैनल बोलिए। हाँ। इधर श्रीलंका से मैं इंडिया गया और इंडिया से यहाँ पे आया, तो श्रीलंका का अभी मेरा ये चल रहा है। और आपका बोलो। मेरा RAZ तो ये है राजशाह का ब्लॉग, राजशाह ब्लॉग, डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, देख लेना। मलेशिया के बारे में भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ जो लोकल होता है, जो वहाँ पे रहता है, सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन वहाँ से आता है, क्योंकि मैं भी वही रिसर्च करके आता हूँ, है ना। आपका मतलब आप नेपाल में जाओगे तो मैं यही चूज़ करूँगा नेपाल का कोई लोकल है जो जिसका डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मुझे सबसे बड़ा हेल्प होता है ट्रैवल करने के लिए। अब नेपाल का एकदम किसी भी देश में जाओगे ना तो उस देश के बंदे से पूछोगे तो आपको पूरे डिटेल से बता देगा कौन सा है नेपाल का सबसे फेमस ठाउँ है, और तो उसमें से आप जो सिलेक्ट कर लीजिए और घूम लीजिए, मज़ा आ जाएगा। पर नेपाल मेरे को लगता है बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, उधर पे तो माउंट एवरेस्ट तो कुछ बात ही। माउंट एवरेस्ट नहीं गए मैं, लेकिन वो जाने वाला अन्नपूर्णा बेस कैंप तक मुझे एक बार जाना है, देखता हूँ। अभी टाइम है जाने के लिए, अभी तो एज ही कहाँ हुआ है, अभी तो 22 है, और धीरे धीरे चला जाऊँगा। ठीक है, आपके मिलने से बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्लॉग। ऑल द बेस्ट, भाई को सपोर्ट करना, दाई को, और दाई मेरे को लगा, मतलब दाई नेपाल के भाषा में दाई को भैया कहते हैं, और इंडियन भाषा में इंडिया में भैया जी और दादा। दादा तो कम सुनने को मिलता है, पर बंगाल में दादाजी इज कॉल्ड दादाजी, ओल्ड दादा इज कॉल्ड दादा में भैया। ओके, केम छो भले मां, केम छो भले मां, अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो डोंट मिस उसका ब्लॉग, डिस्क्रिप्शन लिंक में है, तो आप प्लीज चेक कर लो। ओके, क्या क्या हो जाता है ना, मतलब फैमिली काम बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेकिन अच्छा हुआ यहाँ पे आके रास्ता से मिला। देखो वो भी घूमता रहता है, उसका चैनल का लिंक है, देख लो। तो केवल टावर, मुझे तो ये ट्विन टावर से भी अच्छा लगा, सिंपल सा बहुत पुराना सा टावर है, और मैं जाता हूँ अभी मेरा रूम पे और बैग लेके निकलता हूँ कहीं दूर। सो अगेन KL सेंट्रल, तो आज मैं जाने वाला हूँ यहाँ से मलाका,
केएल सेंट्रल से मुझे अभी देखना है बस पकड़ना है और बस पकड़ के मुझे मलका इज़ लाइक 2.5 आवर जर्नी। ओके सो मेरे साथ है मेरे हॉस्टल से सैम। हाय गाइस, सैम फ्रॉम ऑस्ट्रिया। तो वो अभी बाटू कैप जाने वाला है। सो सैम बाटू कैप जाएगा इस से और मैं जाऊँगा मलका उस साइड। ओके सैम, दिस इज़ द वे टू बाटू कैप। यू कैट योर टिकट। See you, man. In Kopangan. See you in Kopangan. Yeah. Good idea. Okay. Chalo. Bye. Good night. See you, man. So, let's go Malacca. मैं जा रहा हूँ TBS टर्मिनल। लाइन है, बहुत बड़े लाइन है टिकट के लिए। पहले मैं ट्राई करता हूँ ये काउंटर से। It's Malacca. Yeah. This bus. यही मेरा बस है। Malacca जाने के लिए 2 घंटा लगेगा। जस्ट रिच Malacca, बाहर बहुत गर्मी है। Malacca सेंट्रल टर्मिनल पस्तर बाजार। और मुझे और एक फील आ रहा है, वो हम लोग जो कोरियन या साउथ ईस्ट एशियन जॉम्बी मूवी देखते हैं ना, वो वाला भी एक फील आ रहा है। मतलब यहाँ से पूरा खाली आ गया मेरा टैक्सी और मैं जा रहा हूँ मेरा हॉस्टल। पर चलें ब्रदर। शाह शाह, टेल मी वन थिंग, जोंका स्ट्रीट मार्केट, इट्स ओनली सैटरडे संडे। सो हॉस्टल आ गया हूँ। आई हैव अ बुकिंग। बुकिंग? या योर नेम? शुभाशीष घोष। ओके।